Hey guys, this is Pratham Vishwakarma and आज मैं मालबाजार टू सिलीगुड़ी ब्लॉगिंग बनाने जा रहा हूँ। मैं घर से निकल गया हूँ सिलीगुड़ी के लिए, बट पता नहीं आज शायद विश्वकर्मा पूजा है, आज गाड़ी वाड़ी चलने का थोड़ा कम चांसेस है, बट जाके देखना पड़ेगा। अगर गाड़ी मिल गया तो ठीक ही है, ब्लॉगिंग बना सकूँगा, अगर नहीं मिला तो ये जो ब्लॉगिंग मैं बनाने जा रहा हूँ वो आज का कैंसिल हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पहुंच गया हूँ बस स्टॉप, ये संगाची टी स्टेट, और मैं अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ गाड़ी आने का। सो मैंने कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन लिया कि गाड़ी चलेगा या नहीं, तो उन लोगों ने बोला कि गाड़ी चलेगा, तो बहुत सारे गाड़ी चला गया है के लिए, तो होप करता हूँ कि गाड़ी मिल जाए ताकि मैं आज का ये ब्लॉगिंग बना सकूँ। सो फाइनली मुझको बस मिल गया और मैं अब जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, और ऐसा करता हूँ कि सिलीगुड़ी में जाम ना हो, क्योंकि अगर जाम हो गया तो वहाँ पे 3 या 4 घंटा वहाँ पे मुझको रुकना पड़ सकता है, और पहले भी मैं गया था जब वहाँ पे बहुत लेट हुआ था, सो इसीलिए। और मैं बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, सो देखते हैं कैसा है वहाँ का नज़ारा, इतने दिनों बाद कुछ बदला है या नहीं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं अब हनुमान, यहाँ पे बस रुका है, शायद कोई चढ़ेगा नहीं चढ़ा या फिर आगे पे जाम। सो फाइनली हम बस से उतर गए और अब हम पहुंच चुके हैं पीसी मित्तल, और हम जा रहे हैं अब कॉस्मोस की तरफ। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा कॉस्मो का कुछ सीन। बट कॉस्मो आने से पहले आपको कुछ एक मार्केट दिखाने वाला हूँ बड़ा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसका नाम है सरताज मार्केट, शायद वही नाम मैंने पढ़ा था। तो ये हम आ गए अब बिग बाज़ार, तो अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे आज शायद वही पूजा हो रहा है, तो उसी के कारण यहाँ पे बहुत आज सजाया हुआ है ये मॉल। ये पहले ऐसा नहीं था जो आप देखते हैं यहाँ पे, ये ऐसा नहीं था, बट बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज इतना भीड़ भी नहीं है शायद, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं हुआ है आने का, सो जब तक यहाँ पे आ जाएंगे तब तक हम लोग चले जाएंगे घर। और वैसे हम लोगों का घर जाने का टाइम भी हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो मैंने घूम लिया कॉस्मो और मुझको बहुत ही अच्छा लगा, सो अब हम लोग रिटर्न जा रहे हैं घर के तरफ। सो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि कॉस्मो से डायरेक्टली यहाँ पे कैसे आया, तो मेरा फ़ोन का बैटरी सडनली लो हो गया और फोन
स्विच ऑफ हो गया, तो इसके कारण मैं बहुत सारा पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पाया। मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि ब्लॉग बनाऊंगा, बट मैं बना नहीं रहा था, मैं बस ऐसे ही डालते जा रहा था। तो मैं आज जा रहा था सिलीगुड़ी कुछ काम से, तो मैंने सोचा सिलीगुड़ी जा रहा हूँ तो एक ब्लॉग क्यों ना बना दूँ। सो मैंने इसीलिए ब्लॉग बना दिया मालबाजार टू सिलीगुड़ी विद बस, क्योंकि ट्रेन पे तो बहुत कोई बनाते हैं, मैंने देखा ही उन का वीडियो, बहुत कोई बनाते हैं, बट बस पे शायद बनाए हैं बट मैंने नहीं देखा। सो मैंने सोचा बस पे बना दूँ, इसीलिए ब्लॉग बनाया बस पे। सो आपको भी अगर ब्लॉगिंग अच्छा लगता है करने, तो अगर आपके पास एक ईयरफोन है और एक फ़ोन है तो वेट मत कीजिए, फ़ोन और ईयरफोन पकड़िए और निकल जाइए ब्लॉग करने पे, क्योंकि बहुत कोई एक्सक्यूजेज देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मैं भी देता था पहले कि मेरे पास DSLR नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको करने का सच्ची में मन हो तो एक फ़ोन से ही आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो।